नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के बारे में। तो इसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात की थी कला एवं संस्कृति के बारे में। आज बात करेंगे हम लोग समाचार पत्र तथा पत्रिकाओं के बारे में। ये सभी उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में होंगे। तो याद रखिए, आपके जितने भी उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित लेक्चर हैं वो सभी आपके उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के नाम से जो आपकी प्ले लिस्ट सूची है उसी में डले हुए हैं। समाचार पत्र तथा पत्रिकाएं उत्तर प्रदेश के विभिन्न नगरों से प्रकाशित होने वाली प्रमुख समाचार पत्र पत्रिकाएं निम्नांकित हैं। दैनिक समाचार पत्र प्रकाशन स्थान प्रकाशन का स्थान विश्वमित्र, ये आपकी 128 स्थान का नाम है माल कानपुर से। वीर भारत 48/15 लाठी मोहाल कानपुर से। तरुण भारत 4 जवाहर सिंह बिल्डिंग गौतम बुद्ध मार्ग लखनऊ से। स्वतंत्र भारत 5 हाउस विधानसभा मार्ग लखनऊ से। सनमार्ग या आपका सनमार्ग बिल्डिंग दुलहिनजी रोड वाराणसी से। प्रयाग पत्रिका 6B मास्टर जहू पुरल हुसैन रोड कटरा इलाहाबाद से। नवोदित 8/116 आर्य नगर कानपुर से। नवजीवन 1 विश्वेश्वरनाथ रोड लखनऊ से। जय भारत 52/43 नई दाल मंडी कानपुर से। दैनिक जागरण कानपुर मेरठ झांसी बागरा। हिंदी दैनिक जॉन्स पिला मैन बाजार गोरखपुर से। गांडियो मंत्रालय सी के 58/1 आस बेहरू वाराणसी से। बम ये आपका रानीबाग कानपुर भारत लीडर रोड इलाहाबाद से। अमर उजाला आगरा बरेली मेरठ मुरादाबाद व कानपुर से। आज ये आपका वाराणसी कानपुर व आगरा से। नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका इलाहाबाद से अंग्रेजी में। स्वराज टाइम वेलनगंज आगरा से। सैनिक आपका जीवन मंडी आगरा। ये साप्ताहिक समाचार पत्र हैं। राष्ट्रमत ये आपका है हर्षनगर कानपुर। राष्ट्रभाषा संदेश हिंदू साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद। आर्यमित्र 5 मीराबाई मार्ग लखनऊ से। प्रेम विचार दयालबाद आगरा। फिरवाद तमोलीपुरा अलीगढ़। नीरछीर नगर कानपुर। नया संसार आपका 17 पैमपुरी मुजफ्फरनगर से। नया भारत 19 केसरबाग लखनऊ से। नागरिक 40 भार्गव एस्टेट कानपुर से। लोकपत आपका 54 गुंसाई पूरा झांसी से। कुटज 9 प्रभात पेश बलिया से। जनेऊ आपका 22 केसरबाग लखनऊ से निकलता है। ठीक है, और हैं आपकी दैनिक समाचार पत्र पाक्षिक समाचार पत्र पत्रिकाएं कानपुर टाइम्स गांधीनगर कानपुर से। नया युवक कला कांकर हाउस लखनऊ से। निर्माण मोहसिन बाग बिल्डिंग मैनपुरी पिलैंकर डायनाकेट गाजियाबाद से। उत्तर प्रदेश पंचायती राज निदेशक उत्तर प्रदेश सूचना विभाग लखनऊ से। विकास मार्ग आपका जिला योजना कार्यालय वस्ती से। बात करते हैं मासिक पत्रिकाओं के बारे में। अटल तपस्वी या आपका तकिया गणेशगंज लखनऊ से। अरुण प्रो बा नंबर 27 मुरादाबाद से। आरोग मंदिर गोरखपुर आपका स्वास्थ्य चेतनगंज वाराणसी से। अमिता हजरतगंज लखनऊ से। अखंड ज्योति घिया मंडी मथुरा से। अहिंसावाड़ी अलीगंज एटा से। अज्ञान केसरबाग लखनऊ से। अध्यात्म श्री सच्चा आश्रम इलाहाबाद से। अध्यापक संदेश शामली मुजफ्फरनगर। गांव की ओर जिला योजना कार्यालय गोरखपुर। फिल्म संगीत कार्यालय हाथरस बहुरंगी शर्मा मार्ग मेरठ शहर से। बाल सखा पन्नालाल रोड इलाहाबाद से। भारतीय शिक्षा
ये कानपुर से। बुनियादी शिक्षक गुंगे नवाब का फाटक लखनऊ से। छात्र शक्ति नॉर्थ विजय नगर कॉलोनी आगरा से। धनवंतरी आपका विजयगढ़ अलीगढ़। धरती माँ न्यू कवि नगर गाजियाबाद से। एकांत मदारी गेट बरेली। ग्रामोद्यान जालौन उरई से। ग्राम उद्योग स्वरूप नगर कानपुर से। ज्ञान भारती अमीनाबाद पार्क लखनऊ से। जीवन शिक्षा सर्वोदय साहित्य विकास संघ वाराणसी से। कहानी डूमंड रोड इलाहाबाद से। कहानीकार भैरवनाथ वाराणसी। कल्याण गीता प्रेस गोरखपुर से। ठीक है, फिर है आपके माध्यम हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद से। मनमोहन मुट्ठीगंज इलाहाबाद। मनोहर कहानियाँ मुट्ठीगंज इलाहाबाद। मनोरमा ये भी मुट्ठीगंज इलाहाबाद। माया मुट्ठीगंज इलाहाबाद। मार्तंड आपका बड़ौत मेरठ से। नई तालीम तालीम राजघाट वाराणसी। नोक झोंक अशोकनगर आगरा। पंचदूत जिला पंचायत कार्यालय एटा। पंचायत कानून नेहरू रोड इलाहाबाद। प्राकृतिक जीवन सुंदरबाग लखनऊ। प्रतियोगिता दर्पण स्वदेश विमान नगर आगरा। सामान्य ज्ञान दर्पण स्वदेशी विमान नगर आगरा। परमार्थ मुमुक्ष आश्रम शाहजहाँपुर। राजा बेटा मान मंदिर वाराणसी। रंग हिंदी भवन इलाहाबाद। रानी बिटिया नया संसार पेस बिल्डिंग भेदेनी वाराणसी। राष्ट्र धर्म लखनऊ से। रसवंती विद्या मंदिर रानी कटरा लखनऊ से। साधन डैम्पियर नगर मथुरा। सहकारिता विधानसभा मार्ग लखनऊ से। साहित्य लोक बाग मुजफ्फर खां आगरा से। साहित्य संदेश साहित्य कुंज आगरा। संगीत मुरसान गेट हाथरस अलीगढ़ से। सरस्वती पन्ना लाल रोड इलाहाबाद से। साथी इलाहाबाद से। शाकंभरी गुरुद्वारा रोड सहारनपुर से। शक्ति माँ नई बस्ती गाजियाबाद से। शिक्षा बंधु रामलोक अलीगढ़ से। शिक्षा जगत सर्वोदय साहित्य प्रकाशन वाराणसी से। श्रमजीवी ये आपका कानपुर से। ठीक है, और आगे है त्रिपथगा, ये आपका प्रकाशन विभाग सूचना निर्देशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ से। उद्योग निदेशालय उत्तर प्रदेश कानपुर से। उद्योग विकास आर के नगर कानपुर। उर्दू साहित्य दायरा साहेब अजमल इलाहाबाद से। उत्कर्ष तालाब गगनी सुकुल लखनऊ से। उत्तर प्रदेश पंचायती राज प्रकाशन विभाग सूचना निर्देशालय लखनऊ। विज्ञान लोक हॉस्पिटल रोड आगरा। विज्ञान परिषद थानेल रोड इलाहाबाद। विकास जिला योजना अधिकारी सीतापुर। विकास दोष जिला योजना अधिकारी शाहजहाँपुर। योजना जिला योजना अधिकारी कोठी दमदमा मुरादाबाद से। युवक जीवन मंडी जीवनी मंडी आगरा से। शिक्षक अंग्रेजी हिंदी में निकलता है वाराणसी से। ठीक है, आपको याद रखना है कुछ वन लाइनर में ऐसी। विश्वामित्र दैनिक समाचार पत्र का प्रकाशन ये आपका 128 माल कानपुर से होता है। नवजीवन का प्रकाशन विश्वनाथ रोड लखनऊ से। आर्मित साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन मीराबाई मार्ग लखनऊ से। कोटचिस साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन स्थान नव प्रभात पेश बलिया से। डायना गेट गाजियाबाद पिलंकर समाचार पत्र का प्रकाशन स्थान है। घिया मंडी मथुरा अखंड ज्योति का प्रकाशन स्थान है। धनवंतरी विजयगढ़ अलीगढ़ से इसका प्रकाशन होता है। मुट्ठीगंज इलाहाबाद मनोरमा का प्रकाशन होता है। सामान्य दर्पण का प्रकाशन स्थान स्वदेशी विमान नगर आगरा से। दैनिक समाचार पत्र सरस्वती का प्रकाशन 36 पन्नालाल रोड इलाहाबाद से। शक्ति माँ का प्रकाशन स्थान 101 नई बस्ती गाजियाबाद से होता है। ठीक है, अब कुछ इससे संबंधित आपके क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स देख लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है हमारा,
उत्तर प्रदेश विकसित दैनिक समाचार पत्र आज निम्नलिखित में से किस नगर से प्रकाशित नहीं होता है? इलाहाबाद, बी ऑप्शन है इसमें। उत्तर प्रदेश सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की उर्दू मासिक पत्रिका का नाम क्या है? तो याद रखना, नया दौर। क्वेश्चन है तीसरा, उत्तर प्रदेश में भारत की सर्वाधिक लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण निम्नलिखित में से किस नगर से प्रकाशित होती है? यह होती है गोरखपुर से। क्वेश्चन चार, उत्तर प्रदेश से प्रकाशित पत्रों में पहला हिंदी पत्र साप्ताहिक कौन सा था? तो ये आपका बनारस अखबार। क्वेश्चन है पाँच, निम्नलिखित में से जोड़ों में से कौन सा गलत है? कौन सा गलत है? पाँच में होगा आपका नवभारत टाइम्स लखनऊ इलाहाबाद, ये गलत है। बाकी अमर उजाला, आगरा बरेली मेरठ, आज वाराणसी, कानपुर आगरा, दैनिक जागरण, कानपुर मेरठ, झांसी, यानी कि आपका पाँच में डी होगा। ठीक है, क्वेश्चन छठवां, साहित्य लोक नोकझोंक एवं छात्र शक्ति मासिक पत्रिका प्रदेश के किस जिले से प्रकाशित होती है? आगरा से। क्वेश्चन है सात, हिंदी प्रचारक उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रकाशित होती है? वाराणसी से, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन आठ, उत्तर प्रदेश से प्रकाशित अंग्रेजी समाचार पत्र नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका निम्नलिखित में से किस नगर से प्रकाशित होती है? इलाहाबाद से। क्वेश्चन है नौ, तृतीय योग्यता परीक्षाओं की तैयारी हेतु उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लोकप्रिय हिंदी पत्रिका प्रतियोगिता दर्पण निम्नलिखित में से किस नगर से प्रकाशित होती है? तो ये द्वितीय आगरा से। क्वेश्चन दस, उत्तर प्रदेश से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र आज के जन्मदाता कौन थे? तो ये थे आपके शिव प्रसाद गुप्त, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है ग्यारह, ये पत्र पत्रिकाएँ और प्रथम संपादक, तो ग्यारह में आपका हिंदुस्तान आपका मदन मोहन मालवीय, सरस्वती, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप, गणेश शंकर विद्यार्थी, कर्मयोगी, सुंदरलाल, इसमें सी ऑप्शन होगा। ठीक है, क्वेश्चन है बारह, क्या है, उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होने वाली उर्दू का पहला अखबार कौन सा था? तो याद रखना, सरदल अखबार। क्वेश्चन है तेरह, उत्तर प्रदेश में पुस्तक प्रकाशन के निम्नलिखित में केंद्रों में कौन सा प्रमुख है? मेरठ, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है चौदह, असदुल अकबाल नामक उर्दू साप्ताहिक का सृजन किसने किया था? मुंशी कमरुद्दीन ने, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है पंद्रह, हंस पत्रिका का प्रकाशन मार्च 1930 में वाराणसी से किसके संपादक तत्व में शुरू हुआ था? यह आपका प्रेमचंद, ए ऑप्शन सही है, पंद्रह का ए। क्वेश्चन है सोलह, क्या है सोलह, दैनिक समाचार पत्र सन्मार्ग कहाँ से प्रकाशित होता है? तो याद रखना, वाराणसी से, ए ऑप्शन सही। क्वेश्चन है सत्रह, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र दैनिक नहीं है? याद रखिए, प्रभात नहीं है, अमर उजाला है, सैनिक है, दैनिक जागरण है, डी ऑप्शन नहीं है। ठीक, क्वेश्चन अठारह, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र पत्र पाक्षिक है? तो याद रखना, कानपुर टाइम्स। क्वेश्चन है उन्नीस, पंचदूत कहाँ से प्रकाशित होता है? तो याद रखना, इटा। क्वेश्चन है बीस, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र मुजफ्फरनगर से प्रकाशित होता है? यह नया संसार, बी ऑप्शन सही है। ठीक,